तो आज हम लोग लाइव जाने वाले हैं। हेलो हेलो, आज हम लोग जाने वाले हैं लाइव सवी शर्मा के साथ में, और वो बस कुछ ही सेकंड्स में ज्वाइन करने वाली हैं। और सवी के बारे में आप सब लोगों को वैसे भी पता ही होगा, और सवी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं किताबों की सेल्स के, चाहे वो चेतन भगत हों चाहे वो अमीश त्रिपाठी हों, सभी के सभी। और मैं बढ़िया हूँ भानु, और बढ़िया चल भी रहा है। और वेलकम शिखा, हेलो हेलो। तो हम लोग वही किताबों के अराउंड आज बात करने वाले हैं, क्योंकि हिंदी में कितनी भी किताबें बिकने लगी, एक उसकी एक लिमिट है। बट अंग्रेज़ी में सभी ने बहुत अच्छा किया है, तो वो समझते हैं कि क्या कोई ऐसा सीक्रेट कोड है, ऐसा कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, या कोई ऐसी चीज़ है जो वो हम लोग के साथ शेयर कर पाएँ और बता पाएँ कि भाई हम लोग अपनी किताबें जो भी हम जब प्रमोट करते हैं तो हम लोग कर पाएँ। थैंक यू, अच्छा लग रहा हूँ। अब ये सब कॉम्प्लीमेंट की उम्र बीत गई है मेरी, मुझे मालूम है मैं कैसा लगता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और मैं देखता हूँ सभी का रिक्वेस्ट आ गया है क्या लाइव के लिए। मैंने ऐड तो कर दिया है, तो घर में आ जाना चाहिए। यस, आ गई है। कैसे हेलो हो हेलो हेलो सचिन? हेलो, हाय। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाय हाय हाय। और आज ना जब मैंने कल डाला इसके बारे में कि हम हाँ लोग लाइव हाँ बात करने वाले हैं, तो बहुत सारे लोगों का मेरे को मैसेज आया और कमेंट आया कि सर वो इंग्लिश में लिखते हैं लेकिन आप बात हिंदी में करिएगा। चलो बढ़िया है, करेंगे। और कैसा चल रहा है लॉकडाउन? अच्छा चल रहा है, कोई परेशानी तो है नहीं। हाँ ये है, घर में फंसे हुए हैं एक तरह से, पर खुश है, कोई तकलीफ ऑल नहीं है, गुड, खाने पीने को सब मिल रहा है, घर वालों के साथ बैठे हैं, चलो बहुत और क्या बढ़िया। इससे अच्छा क्या हो चाहिए। सकता है। यस बिल्कुल यस 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 यस। तो तो बढ़िया है। हम लोग बातचीत, मैंने अभी तुम्हारे बारे में तो खैर मतलब ऑब्वियसली सबको पता मैंने ही सुन है। लिया, हाँ इसीलिए सोच रही थी तो और थोड़ी देर आप कुछ बोलो, फिर देखते हैं, मैं भी सुनती हूँ थोड़ा। नहीं, बहुत ज्यादा तारीफ सुनना अच्छी बात नहीं है राइटर्स के लिए, उड़ने लगते हैं सही बात है। राइटर्स बहुत सारे। अरे नहीं, हमें पता होता है ना सच्चाई क्या करेक्ट 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 करेक्ट। है। तो सभी मेरे को एक बात हाँ बताओ, जी, ये इतनी फैन फॉलोइंग और इतना ज्यादा प्यार जो रीडर्स का मिलता है, मेरे को यहां से मैं शुरू करता हूँ कि वो पहला मोमेंट क्या था। जैसे मैं जब शाहरुख खान का बहुत पहले देखता था, एक उनका कोई सीरियल आया था, तो वो जब जी एक आध सीरियल जब वो कर चुके थे, और तब उनको लखनऊ में किसी लेडी ने ऑटो से उतर के रोका था, कह रहे ये फौजी वाला लड़का है। तो दैट वॉज द मोमेंट फॉर हिम, जी एग्जैक्टली है ना, कि वो उनको लाइफ लॉन्ग मतलब है ना कि वो पहली बार किसी ने रिकॉग्नाइज किया। तो वो मोमेंट क्या है तुम्हारा, वहां से शुरू करते हैं और फिर हम किताबों पे जाते हैं और कैसे कैसे। पहली बार का तो ऐसा, जब फर्स्ट बुक स्टार्टिंग में, जैसे कि मैंने सेल्फ पब्लिश की थी बुक, तब उस करेक्ट वक्त बुक स्टोर्स पे तो मिलती नहीं थी, सिर्फ अमेजोन पे अवेलेबल थी। तो मेन तो जैसे सब स्टार्ट तो फेसबुक से ही हुआ था, लोग करेक्ट। वहीं पे मिलते थे। पर सूरत में जैसे बुक लॉन्च हो चुका था, सूरत में कैफे में एक बार हुआ था कि हम सीसीडी में बैठे थे और दो लड़कियां थी, और वो स्टेयर कर रही है कब से ऐसे देख रही है, हम सोच रहे हैं यार लड़कियां देख रही है। तो फिर उनमें से काफी देर, 1-1.5 घंटा और बैठी रही, देखती रही देखती रही। लास्ट में फिर जाने से पहले सवी शर्मा हो, तो मैंने कहा हाँ। सो वो वाला मोमेंट वैसा वाला था, करेक्ट करेक्ट वो करेक्ट पहला करेक्ट। मोमेंट था तो जी। मेरे को एक बताओ, क्योंकि तुम्हारी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी रही है, क्योंकि ना अभी भी सेल्फ पब्लिश को लेके ये बहुत सारे अप्रिहेंशन है लोगों के दिमाग में। जी बिल्कुल तो बहुत सारे लोग मेरे को भी पूछते हैं कि हम सेल्फ पब्लिश करें कि हम वेट करें, हम क्या करें। तो मेरे ख्याल में यू आर द राइट पर्सन फॉर दैट, कि सेल्फ पब्लिश तुमने क्यों किया था, फिर वो जर्नी थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे इसमें हिंदी के रीडर्स भी इसमें जुड़े हुए हैं, जी तो एक जी बार वो जी समझे। क्योंकि ना अभी भी कहीं ना कहीं जैसे सेल्फ पब्लिश बोलते हो ना, तो एकदम से लोग वो कहते हैं कि नहीं कैसे करते थोड़ा हैं, क्या घबराहट होता होती जी। है ना। और अभी जैसे अब बहुत कम लोगों को शायद पता है, या अब ये लोग भूल चुके हैं कि अमीश की भी पहली किताब सेल्फ पब्लिश ही सेल्फ थी, पब्लिश थी और एग्जैक्टली, उन्होंने तो बल्कि मैं देख रहा था कहीं बताया भी था कि बाकायदा वो जाके खुद ही सेल्फ शेल्फ पे बुक स्टोर्स रखवाते में थे, बैठ के। हाँ जी, बैठ के तो रखवाते थे। बैठ के, और हाँ लोग आते थे तो उनको कहते थे कि मेरी किताब है जरा देखो।
हाँ तो एग्जैक्टली, तो ऐसा वो चीज मेरे को था। जरा बताओ कि कैसे रही जर्नी, और बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है आई एम श्योर, हम सब लोगों को सीखने को बहुत कुछ होगा। मैं भी अरे किताबें बेच आप पाऊँ इतनी तो ज्यादा बहुत आगे बढ़ गए हैं, आप नहीं, टांग मत आप खींचिए। नहीं, बताओ आप, बताओ। पर हाँ, तो यही है कि सेल्फ पब्लिश इसलिए करना था क्योंकि जब बुक कंप्लीट हो गई तो लगा कि यार सही किताब ये है और लोगों को पसंद आनी चाहिए। मुझे एक करेक्ट, कॉन्फिडेंस था उस बुक पे, और क्योंकि वो कॉन्फिडेंस था तो फिर मुझे ये था कि यार अब इंतजार नहीं करना। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग का अगर देखें तो यही है कि यार एक्सेप्ट कर लिया तो कर लिया, नहीं तो सालों लग जाते हैं उनसे जवाब सुनने को। करेक्ट, तो और अभी लगता है सोशल मीडिया के टाइम्स में सेल्फ पब्लिशिंग एक वो हवा नहीं है कि यार नहीं नहीं होगा। अभी ऐसी चीज है कि तुम अगर कोशिश करो तो हो सकता है। करेक्ट, और हमने जब सोचा कि सेल्फ पब्लिश करना था, हमने तो प्रिंट भी खुद से करवाया था, सेल्फ पब्लिशिंग हाउसेस भी हैं कई सारे, तो वो भी हमें नहीं यस, जाना था कि नहीं यार उनको इतने पैसे देंगे करेंगे। तो हमने देखा कि यार ये लोग सारे लोग पब्लिशिंग करवाते हैं कहाँ से, क्रॉसवर्ड में जाके हार्पर कॉलिंस, वेस्टलैंड, पेंगुइन सबकी बुक्स उठाओ, जाके देखा कि प्रिंटिंग कहाँ से हो रही है उनकी बुक की। और फिर ओके, वहां से हमने दो तीन प्रिंटिंग हाउस वालों को कॉन्टेक्ट किया, उनको कहा कि भाई ये बुक प्रिंट करवानी है, फर्स्ट प्रिंट रन 2,000 का। तो पहले तो उनको तो 2,000 के लिए, वो बड़े बड़े उनके पास पब्लिशर सारे, तो 2,000 कॉपी क्यों वो लोग प्रिंट करने की सोचेंगे। फिर करेक्ट करेक्ट, फाइनली मान गया एक प्रिंटिंग हाउस दिल्ली में, तो बोला कि क्या करते हैं, उनसे प्रिंट करवा के अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट पे अकाउंट खोला, उनके वेयर हाउस पे बुक्स भेजी। और फिर ये था कि बुक्स तो चली गई, स्टॉक आ गया अमेजोन पे, दिख बस रहा मैं है। एक मिनट रोकूंगा, मेरे को ये साल भी बता दो ताकि लोगों को वो जर्नी दिखे पूरी। हम लोग जब बातचीत में ना, 2015, जी 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 2015 में ऐसा था कि 2000 2015, किताब, हाँ करेक्ट हाँ करेक्ट, 2015 में था। सो ये जर्नी, तो सेल्फ पब्लिशिंग ऐसे देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं वन मैन आर्मी जॉब है। मेरे केस में मेरे साथ आशीष थे। ऑफ कोर्स आप ढूंढोगे तो कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसको उस फील्ड में कहीं पे भी आपको टेक्निकली हेल्प कर सकते, वो आपको देखना ढूंढना पड़ता है। और हमने ये सोचा कि बुक तो है, अब लोगों को पता तो चलना चाहिए कि ये बुक आई है, ये है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार हम वहीं खा जाता है। हम सोचते बुक हमारी मार्केट में आ गई, मतलब अब लोगों को खरीदनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, पर लोगों को जब तक तो पता ही नहीं होगा कहाँ से लेंगे। तो अब उसमें ये था कि यार पानी की बोतल तो है नहीं, ना साबुन है कि ये साबुन है, ये तुम यूज करो, ये पानी की बोतल पी लो। किताबें और आर्ट में ऐसा है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके पास क्या है। भाई करेक्ट, आपकी बुक पे कोई अगर 3 दिन या एक हफ्ता दे रहा है तो क्यों दे, ऐसा आपके पास क्या है। करेक्ट, तो मेरे जो इनिशियल रीडर्स थे, मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह कॉलेज में से जितने भी बुक्स पढ़े, तो उन्होंने कहा यार बुक्स में कुछ ऐसी लाइंस है जो बहुत अमेजिंग है, मतलब वो छू जाती है दिल को। और बोले हम बहुत सारी लाइंस हमारे व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह में भी रख रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो फिर वही लाइंस को अच्छे से डिजाइन करके कोट्स के रूप में हमने फेसबुक पे पोस्ट किया, और फिर धीरे धीरे स्पॉन्सर्ड एड्स किए जो फेसबुक पे होते हैं। उस वक्त इंस्टाग्राम तो तब नया नया था, फेसबुक तब करेक्ट, ये था। तो वहां पे जब पोस्ट करने लगे कोट्स वगैरह, तो लोगों को कोट्स पसंद आने लगे। लाइक मैंने 15-20 हमने शायद कोट्स का एक पोस्ट बना के उसको पोस्ट किया और स्पॉन्सर्ड एड्स की, वो लोगों को पसंद आने लगा, वो शेयर करने लगे। जब कोट्स पढ़ रहे हैं लोग तो उनको दिख रहा है कि यार बुक में ये चीज है, और ये तो यार हाँ यार ये लाइन ऐसी कुछ है जो हमें छू जा रही है। तो करेक्ट, फिर लोगों ने बुक्स खरीदना शुरू किया और कोट्स वगैरह लोगों ने सब शेयर करना शुरू किया, तो अपने आप वायरल हो गया। वर्ड ऑफ माउथ काम करता है आपके लिए, आर्ट का करेक्ट, तो यही चीज है। तो ऐसे वो जर्नी स्टार्ट हुई, तो और प्रिंट एक रन बार जब खत्म लोग हो गया पढ़ने लगे, तुम्हारा उस पे प्रिंट हाँ रन 2000 जी का, तुरंत वो भी तो प्रॉब्लम हुआ होगा, वो क्या हुआ था फिर? वो हुआ था। मतलब पहले तो ठीक है, पहले हफ्ते ऐसे चलता रहा थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत, एंड फिर लोगों को काफी पसंद आने लगा और वो वायरल। फिर हमने नेक्स्ट प्रिंट रन के लिए भी बोला, फटाफट 3,000 और कॉपी प्रिंट करो, और हम बता दो 1 महीने में हमने 5,000 कॉपीज बेची थी। भाई 5,000 ऐसा तो बहुत कुछ का, वो बढ़िया, 1 महीने में एक सेल्फ पब्लिश कॉपी बेचना एक तरह से रिकॉर्ड बन गया था। और क्योंकि वो 5,000 कॉपीज बिकी तो अमेजोन पे टॉप पे आ गया था इंडियन बेस्ट सेलिंग में, इंडियन राइटिंग और वो करेक्ट सारी कैटेगरीज में। करेक्ट, वहां से फिर वेस्टलैंड और पेंगुइन वगैरह बाकी सब पब्लिशर्स ने देखा कि भाई यार नई बुक है कोई और कहाँ से ये है, तो फिर उनके करेक्ट, ईमेल्स आए, मैसेजेस आए कि भाई हमारे साथ आपकी दूसरी बुक आप लिखो या ये बुक को हम कुछ करें। तो पहले तो यही बुक रीलॉन्च करते हैं,
और वो बात बात करके फिर वेस्टलैंड के साथ जाना डिसाइड किया, और फिर वेस्टलैंड के पास जाने के बाद फिर वहां से ट्रेडिशनल पब्लिशर्स है तो फिर आपको मार्केटिंग भी मिल जाती है तो और ये हुआ पीआर साल वगैरह। तुम्हारा 2000 2016 में 2016 जी, 2016 2016 में ये में हुआ। वेस्टलैंड के साथ वापस बुक कर तो रीलॉन्च वो किया। मेरे को बताओ कि वो जो वेस्टलैंड से जो पहले महीने में धमाका हुआ वहां से आने के बाद, बिल्कुल वो कैसे हुआ? मतलब वो क्या मैजिक है कि एकदम से किताबें इतनी जाने लगी, और मतलब जो इनिशियल टाइम था उसका, तो वो ऐसा मतलब वही सेम राइटर है, सेम कोट्स वही हैं, सेम है ना, कोट है, तो फिर बिल्कुल। ऐसा ये कैसे हुआ? वो क्या जादू है? वो हम लोग को भी सीखना चाहिए ना, जादू क्योंकि तो ऐसा वेस्टलैंड है का जैसे ऑफलाइन उनका आई एम श्योर सबसे अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया ऑफलाइन जी, जो है, बट वो ऐसा कुछ क्या कैंपेन अलग तरीके से, या जो तुम आप बात बता रहे थे जैसे एवरीवन हैज अ लव जी स्टोरी, एवरीवन हैज अ स्टोरी, स्टोरी तो उसमें कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज पकड़ में आ गई कि आप कम्युनिकेट अलग तरीके से कर रहे थे, वो क्या हुआ, वो उसकी क्या वजह लगती है कि इतनी ज्यादा बिकने लगी किताब? जी, तो मार्केटिंग का ऐसा है ना कि वेस्टलैंड के साथ एक तो ये हुआ कि बुक स्टोर्स में बुक अवेलेबल होने लगी जो पहले नहीं थी, और उसी के साथ हमने फिर तभी तक फेसबुक वगैरह पे लोग पहचानने तो लगे थे, एक फैन बेस तो बन गया था। बुक्स नहीं खरीदी थी इतनी ज्यादा लोगों ने, पर तो भी कोट्स वगैरह देख के लोग फेसबुक पे तो आ गए थे, भाई पेज पे है ऑडियंस। फिर जब वेस्टलैंड के साथ बुक आई तो फिर हमने 2-3 सिटीज में टूर भी किए, मैं 5-7 सिटीज फर्स्ट बुक के लिए स्टार्टिंग में किए थे, वो टूर्स किए, उससे न्यूज़पेपर वगैरह में भी आया, तो लोगों ने नाम तो बुक का सुना हुआ था कोट्स वगैरह पढ़ के, खुद से नहीं तो किसी ने, कोई फ्रेंड ने शेयर किया वहां से वहां से। और फिर जब सब जगह बुक्स दिख रहे थे तो फिर उनको लगा चलो ट्राई करके, क्योंकि तब दिख रहा है कि लोगों को कि बात हो रही है। एक होता है लोग जो पहले इंस्टिंक्ट पे कुछ छू जाता है उनने ले लिया, दूसरे लोगों ने सुना करेक्ट। हुआ तो है पर फिर वो सोच रहे ले कि नहीं ले। फिर जब आपने एक बार नाम सुना, दूसरी बार भी आप उसका नाम सुनते हो सोचते चलो ट्राई कर ले। जैसे मेरे साथ ये हुआ करेक्ट। था फर्स्ट बुक के टूर पे, जब मैं वेस्टलैंड की 2015 में बुक आई, 2016 के अगस्त या सितंबर में मैं बेंगलोर गई थी मेरे बुक लॉन्च के लिए। तो फ्लाइट में बाजू में दो उस वक्त मैं 23 साल की थी, 22 साल की थी, 22-23, तो बाजू में एक अंकल बैठे थे, तब तो अंकल ही कहते थे कि 35-40 के बीच में होंगे तो या उस तब समय मैं मैं तुम्हारा अंकल होता अगर वैसे। बस देख लो 35-40 के बीच में थे, और वो लोग ऐसे ही हम बैठे थे, पर फ्लाइट की बात चल रही थी, फ्लाइट लेट है ये है, ऐसे कुछ बात हुई। तो मैंने कहा कल तो लेट थी, आज तो शायद टाइम पे पहुंच जाएगी, मतलब ऐसा। तो बोले आप रोज ट्रेवल करते हो क्या? लाइक आप? मैं नहीं, रोज ट्रेवल नहीं करती, ये फ्लाइट थी तो मैं चेक कर रही थी कल। फिर उन्होंने ऐसी बात की कल भैया आप क्या करते हो क्या नहीं, तो मैं बुक लिखती हूँ ये वो। भाई क्या नाम है आपका? तो सवी शर्मा। भाई अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद बुक का नाम क्या है? तो मैंने कहा एवरीवन हैज अ स्टोरी। तो बोले ये नाम तो, बुक का नाम तो मैंने सुना है। तो लोगों को ऐसा था कि भाई शायद मेरा नाम नहीं पता, बुक का नाम कहीं ना कहीं, हाँ ये नाम तो करेक्ट मैंने सुना है, बुक का मैंने कहीं देखा है सुना है। तो करेक्ट वो करेक्ट चीज करेक्ट होता है कि आपको रीडर्स के दिल में आप एक बार बस जाओ ना, तो वो आपको शेयर, वो आपकी बातें शेयर करते, पोस्ट वगैरह करेक्ट लोगों को शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भेजेंगे, ये करेंगे। तो आई गेस वर्ड ऑफ माउथ सबसे बड़ा गेम, जैसे मूवीज में भी यही होता है ना यार, आप करेक्ट फ्राइडे सैटरडे को लोगों को थिएटर में खींच सकते हो कितनी भी मार्केटिंग करके, पर करेक्ट करेक्ट, संडे उसके के बाद बाद नहीं रुकते। मंडे से तो वही लोग आएंगे जिनने सुन के आए हैं कि यार मूवी अच्छी है। मार्केटिंग उसके करेक्ट बाद काम करेक्ट नहीं करती, मार्केटिंग खाली वो पहले 3 दिन काम करती है, तो वैसी करेक्ट चीज करेक्ट है। करेक्ट 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 करेक्ट। तो इस दौरान फिर जैसे जो बहुत ही वैल्यूएबल, जैसे मैंने देखा था कि हम लोग जब पहली बार जब मिले थे नासिक लिट जी फेस्ट में, नासिक के लिट है ना, फेस्ट में। और अश्विन संघी सर भी थे वहां पे, हाँ और जी, हाँ तो जी हम लोग बाद उनसे कुछ ज्ञान लेने की हम लोग कोशिश भी कर रहे थे वहां पे। तो बिल्कुल। इस पूरी जर्नी में ऐसा जैसे जिनसे भी तुम मिले, इस मतलब हम लोग फिर देहरादून वाले में भी मिले, कई जगह हम लोग हाँ जी, हाँ लिट जी फेस्ट हम मिलते लोग कई जगह टकराए, तो रहे कोई राइटर की ऐसी बात जैसे ना, जैसे आजकल के जो भी है, मतलब आजकल जो जी। कॉन्टेम्प्रेरी लिट फेस्ट में जाते हैं, तो कोई ऐसी बात जो बिल्कुल चिपकी रह गई हो कि यार ये बड़ी सही बात इन्होंने बताई और मैं अप्लाई करूंगा, ऐसा कोई इंसिडेंट याद है क्या ये कि लगाओ इंसिडेंट कि? वही नासिक में ही हुआ था। हाँ हम अश्विन सर के साथ हम बैठे थे उनके सेशन के बाद, तो सेशन से पहले मैंने उनके जो मैनेजर थे मोहन, तो उनसे हाँ होटल में मिली थी, मैं उनको कहा था कि मुझे अश्विन सर से मिलना है। तो करेक्ट तभी और वो ये हुआ था कि वो पहले दिन गिर गए थे, तो वो बेचारे आराम कर रहे थे। तो नेक्स्ट से अपने सेशन से पहले जब वो वहां पहुंचे तो उनने मोहन को बोला कि यार सभी को फोन करके बुला, उसको मिलना था तो मुझे, मैं मिलता हूँ उससे। और जब ओके मैं उनसे मिलने गई तो मैंने कहा सर आई एम अ बिग फैन, आपकी चाणक्य चांद बहुत अच्छी लगी मुझे। एंड वो कह रहे हैं नहीं सभी कम हियर,
आई एम योर फैन, लेट मी गिव यू माई ब्लेसिंग्स. मतलब वाह मैं सच में तुम्हारा फैन, मतलब मैंने तुम्हारी बुक अभी तक नहीं पढ़ी है सच कहूंगा, बट मैं तुम्हारा फैन हो गया हूँ. तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने गौतम से, जो वेस्टलैंड के सीईओ हैं, मतलब उनसे भी बात की और उससे भी पूछा कि यार तुमने सवि की बुक क्यों लॉन्च करना चाहिए, भाई सेल्फ पब्लिशिंग इतने सारे ऑथर्स हैं. तो उसके बाद फिर गौतम से बात की, फिर तुम्हारे बारे में जब देखा तो मैंने देखा तुम में एक रॉनेस है जो कि चीज कई सारे ऑथर जब मार्केट में आ जाते हैं ना, उसके करेक्ट बाद पहली करेक्ट बुक आते हैं उनको लगता है हाँ ये चीज बिक रही है तो यही लिखना है. वो चीज मुझे तुम में नहीं दिख रहा, तुम्हें मिलके भी मुझे वही दिख रहा है कि यार तुम में लोगों की बुक आ जाती है इतनी थोड़ी भी चढ़ जाती है तो उनसे बात करने पर पता चल जाता है कि यार कुछ अंदर आ गया है. अब तक करेक्ट तुम में मुझे करेक्ट वो नहीं दिख रहा और बस जैसी हो वैसी ही रहना, तो करेक्ट तुम बहुत करेक्ट दूर तक करेक्ट जाओगी. और मार्केट में नंबर के गेम में अगर आ गई कि नहीं ये चल रहा है तो ये लिखना है, तो फिर अंदर से इनफैक्ट कुछ मैं खत्म हो जाएगा. करेक्ट मैं इनफैक्ट एक बार मैं वहीं बैठा हुआ था जब ये बाहर हम लोग सेशन के बाद थे, तो जी उन्होंने मेरे को अभी भी वो एक बात याद है, हालांकि अश्विन मेरे को ऐसे डायरेक्टली नहीं जानते हैं, हमेशा मेरा अभी तक जब भी लिटफेस्ट में हुआ है मेरा सेशन उनके जस्ट बाद होता है, तो निकलने के बाद वो घिर चुके होते हैं फैन बहुत से, वो बिल्कुल आईटी दिल्ली बिल्कुल से कहीं लेके और कहीं पे भी हमेशा एक नंबर भी. पीछे रहता है, और अभी पेंटू पब्लिश के कॉन्टेस्ट में भी वो पहले बोले फिर मेरा आया, तो उन्होंने एक चीज अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग बोली थी जो मुझे याद है, मतलब वो मैंने फिर उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लाइफ में अप्लाई कर पाऊँ, वो उन्होंने बोला था कि अभी भी एक भी मेल जो आता है फैन मेल ही मेक श्योर कि वो उसका जवाब दें, जो जी उन्होंने उस समय बोला था एक बार, और वो अब जो इतना ज्यादा आई एम श्योर तुम्हें भी रोज बहुत मेल आते होंगे, बहुत सारे मैसेज आते होंगे, अब ह्यूमनली लिमिट में पॉसिबल नहीं होता एक पॉइंट के बाद हर मैसेज का जवाब दे पाना, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल तो बट मैं अभी भी मेल का कम से कम मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक उसका जवाब दे पाऊँ उसका उस बिल्कुल, तरीके वो का, आई एम बहुत श्योर हेल्प करता है. मतलब मैं खुद ये कोशिश करती हूँ, जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो मैं राइट ट्राई करती हूँ कि फेसबुक लाइव या इंस्टाग्राम लाइव के थ्रू लोगों को आंसर्स दे राइट पाऊँ, नहीं तो जब भी मौका राइट मिलता है सबको रिप्लाई. और वही होता है यार, आप बुक लिख रहे हो, लोगों ने आपकी राइट किताब पढ़ ली, उसके बाद उनको सवाल जागते हैं जिसका जवाब राइट चाहिए राइट उन्हें, राइट तो बुक तो पहुंचाना से आगे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. राइट राइट तो ऐसा कोई तुम्हें मिला कि नहीं मिला कोई ऐसे लोग ऐसे कैरेक्टर की उन्होंने बोला कि ये तो आपने हमारी कहानी ही मतलब हम हमारे बारे में लिख दिया और इस तरीके का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोगों ने, काफी लोगों ने कहा कि यार ये कैरेक्टर तो मुझे लगता है कि मुझसे ही इंस्पायर्ड है. मतलब मैं आपसे कभी मिला नहीं हूँ ना, मुझे पता है कि ना आपने मुझे कभी देखा हो, कुछ भी नहीं, पर ये कैरेक्टर को पढ़ के ऐसा लगे किसी ने मेरी कहानी निकाल के रख दी, और ये बहुत बार करेक्ट हुआ. और मैं करेक्ट कोशिश भी करेक्ट वही रहती कि सारे कैरेक्टर्स, मेरे हर कैरेक्टर रियल लाइफ पीपल से इंस्पायर्ड, कोई भी कैरेक्टर तो, और वो यही होता है हम सब इंसान है, सब जुड़े हुए हैं, तो अगर जब कोई करेक्ट एक सही कहानी आप दिल से निकाल के लिखोगे तो किसी के दिल तक तो जाएगी. नहीं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, और तुम्हारा एग्जैक्टली जर्नी भी वैसा रहा है. मेरे को एक बात ये बताओ, जैसे बहुत सारे जो रीडर्स होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं रहता है कि हमें कभी ना कभी किताब लिखनी है, और ऑलमोस्ट तुम्हारी किताब का थीम भी जैसे एवरीवन हैज अ स्टोरी, वो राइटर उसी के अराउंड डील करता है ना, कि हर किसी के बिल्कुल पास वो कहानी है, और मैं भी हमेशा ये बोलता हूँ कि एक आध कहानी भर का मसाला तो हर किसी की लाइफ में रहता सबके है, पास बिल्कुल इतनी अनइवेंटफुल अगर लाइफ है तो उसको कूद जाना चाहिए कहीं कुएं में जाके, मैं तो ये सही बात तो मेरे को ये बताओ कि जो आपके पास कहानी है, तो वो अगर तुम छोटे मोटे जैसे ना दो तीन प्रैक्टिकल टिप्स दे पाओ, जैसे ना कि आप कैसे उस, जैसे मोस्टली लोगों का क्या प्रॉब्लम होता है कि वो उनको कहानी है बट वो शुरू नहीं कर पाते, शुरू नहीं कर पाते, 90% ऐसे होते हैं जो शुरू तो कर पाते हैं बट वो खत्म नहीं कर आगे नहीं पाते. पहुंचा पाते बिल्कुल. हाँ आगे बढ़, तो अगर कोई ऐसा तुम्हारा कोई ऐसा कोई हो अपना वर्किंग मैकेनिज्म हो उस तरीके का, अगर तुम शेयर कर पाओ कि वो लोग कि शुरू कैसे करें, कि डेडलाइन लेके लिखें कि क्या लिखें, तो अगर वो उस पर तुम थोड़ा 2-4 मिनट बात कर पाओ या बता पाओ कि जी जी कैसे सबसे होना चाहिए, आई एम श्योर तुमने बहुत पहले सोचा भी होगा तो इस पे. यस बिल्कुल, सबसे पहला तो यही है कि यार खूब सारी बुक्स पढ़ो. लोग कहते हैं कि हमें बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, हमारे पास हमारी कहानी है. कहानी राइट तो है पर शब्द नहीं मिलते लिखने के लिए. राइट मन में राइट यार किसी को प्यार, किसी से प्यार करते हो, इजहार करने के लिए भी कितना सोचना पड़ता है कि क्या कहूँ. तो तुम राइट एक 200 पेजेस की बुक ऐसे ही लिखने बैठोगे तो कहाँ से लिख पाओगे. तो सबसे पहले राइट टिप तो यही है कि यार पढ़ो, खूब पढ़ो, क्योंकि जब पढ़ोगे अंदर कुछ जाएगा दिमाग में तभी तो बाहर आएगा, वो शब्द तो करेक्ट चाहिए ना अंदर. करेक्ट खूब करेक्ट पढ़ो. और फिर ये है कि यार बुक लिखनी है तो बस बेच के फेमस हो जाऊं या पैसे कमा लूं, वो सोचो मत लिखो. यार इतने लोग आते हैं चले जाते हैं, जरूरी नहीं है हर कोई फेमस हो, जरूरी नहीं है हर कोई पैसे कमाए. और यार पैसे कमाने के लिए तो इतना सारा काम कर ही रहे हो ना, इतना राइट बिजनेस है, राइट इतनी जॉब है, सब है,
किताब क्यों लिखनी है पहले तो वो क्लियर करो। राइट एक राइट पता है आपने वो महसूस किया होगा, जब मान लो जैसे आपकी मुसाफिर कैफे की जब स्टोरी दिमाग में आई होगी तो लगा होगा कि यार जब तक नहीं लिखूंगा तब तक चैन नहीं मिलेगा, ये सुनानी है। तो वो जब अंदर आता है ना यार ये तो मुझे लिखना ही है, और क्यों लिखना है, क्योंकि मुझे ये चीज बाहर निकालनी है, मुझे पेपर पे देखनी है कैसे लगती है। तो खुद के लिए लिखो, क्योंकि तुम्हें वो लिखे बगैर चैन नहीं मिलेगा, इसलिए लिखो। लिख ली और फर्स्ट ड्राफ्ट लिखते वक्त मत सोचो अच्छा जा रहा है बुरा जा रहा है, क्योंकि राइट अच्छा बुरा तो कोई हेल्प भी कर सकता है, पर अंदर राइट जो वो बाहर तो तुम्हें ही निकालना है। तो फर्स्ट ड्राफ्ट तो बस आंख बंद करके दिमाग में जो आ रहा है सब लिखते जाओ, कितने पेजेस हो रहे, क्या शब्द, कोई जरूरत नहीं, देखो ही मत। हिंदी इंग्लिश जो राइट भाषा में लिखना है लिखते जाओ, राइट और एक बार जब लिख दिया फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट, तो फिर तुम सोचोगे कि यार अब इसको थोड़ा ठीक ठाक बनाना है, कहानी जैसा शेप देना है। तो फर्स्ट ड्राफ्ट से पहले तो मैं कहूंगी कि ना किसी से टिप्स लो कि स्टोरी कैसे बनानी है क्या बनानी है, फर्स्ट ड्राफ्ट तो बस लिख डालो और फिर अब सोचो कि अब इसको बेहतर कैसे बनाए। करेक्ट फिर उसका वो करेक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, आप उसको चैप्टर्स को डिवाइड करोगे, ये करोगे, तो फर्स्ट बुक तो आपकी इसी तरह से जाएगी। तो मेरे को एक मैं बात बताओ, तुम्हारे इतने 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 फैंस हैं और वो लोग आई एम श्योर कुछ ना कुछ लिख के तुम्हें भेजते होंगे कि इस पे रिव्यू दे दीजिए या फीडबैक दे दीजिए, हाउ डू यू डील विद दैट? क्योंकि प्रैक्टिकली देखो, मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि मैंने आपका वीडियो देखा था जो 2 दिन हाँ पहले तो रखा मैं था वो आपने। वही समझना चाहता हूँ कि उससे और बेहतर तरीके से क्या, क्योंकि देखो एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि जो भी कुछ क्रिएट कर रहा है ना, चाहे वो जी पोयम, दैट मे बी द वर्स्ट पोएम ऑफ द वर्ल्ड, दैट मे बी द वर्स्ट वर्स्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑफ द वर्ल्ड, बट वो आदमी लिख रहा है, गोली नहीं चला रहा लिख कम से रहे, कम दुनिया में, बिल्कुल है बिल्कुल ना, है ना। बिल्कुल जैसे जैसे ये जीरो पे आप आउट होते हो तो आप सेंचुरी बना सकते हो, ऐसा नहीं है ना कि हर बार आप सेंचुरी बनाओगे, राइट? बिल्कुल, तो तुम खेल रहे हो, तुम वहां जाके मेहनत खेल कर रहे हो रहे ना, हो। दैट्स इंपॉर्टेंट। लेकिन जैसे उसमें बहुत लोग डिस्करेज हो जाते हैं, जैसे मतलब मेरे को तो धमकी भी आती है कई बार, अच्छा जवाब नहीं दिया अब आगे से तुम्हारी कोई किताब नहीं होता पढ़ेंगे, तो हाउ डू यू डील विद दैट? है और मुझे बुरा लगता है, मालूम है, मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसे सोचे, क्योंकि आप बिल्कुल वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो चीज कर नहीं पाना, होता है तो यार, दिन में आएगी से 50 मैसेजेस आते। और मेन चीज क्या है, मतलब मैंने कल ही पोस्ट किया था या आज ही शायद एक स्टोरी डाली थी, तो जेके रोलिंग का कोट है कि यार एक किताब लिखने से पहले मैं काफी कुछ मैंने लिखा उसके बाद जाके एक बुक लिखती हूँ, या इतना कुछ बेहुदा चीजें लिखता है उसके बाद जाके कोई एक ऐसा पैराग्राफ बनता है जो कि लगता है हाँ बहुत अच्छा लिखा है। और लोग काफी सारे लोग जैसे कि यार ट्राई टू राइट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आप पढ़ के बताओ कैसा लगा। भैया तुम तुम्हारे लिए लिख रहे हो, तुम्हें क्यों किसी के मोहर की जरूरत है कि अच्छा है कि बुरा है, दिल से लिखो ना। तो मैं तो यही कहूंगी कि फर्स्ट टाइम जो भेज में ये बोलते हैं कीप राइटिंग, तुम लिखो, अभी तो तुमने शुरू किया है, और कैसा है क्या है इसे क्या लेना देना, तुम्हें खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही लिखने के लिए। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस। सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन तो तुम खुद से रखो, आज कुछ लिखा है कल कुछ लिखोगे तो ये देखो कि कल तुमने जो लिखा था उससे तुम बेहतर हुए कि नहीं हुए। मुझे तो नहीं पता तुम्हारी जर्नी क्या है, ये तुम्हारे पहली बार लिखा है या तुम 5 साल से लिख रहे हो, तो मैं उसको किस नजरिए से देखूंगी वो तुम्हें नहीं पता, और तुम्हारे उसको लिखने के पीछे की कहानी मुझे नहीं पता। तो इससे बेटर कि खुद के ही कॉम्पिटिशन देखो ना, खुद ये देखो कि कल मैंने ये लिखा था आज मैंने ये लिखा था, उसको कंपेयर करो कि भाई मैं कल से बेहतर हुआ हूँ कि नहीं, और अगर नहीं हुआ हूँ तो तुम्हें अंदर तो पता है कि नहीं हुए हो, तो उसको बेहतर बनाने की कोशिश करो। तो मेरा तो यही मैसेज रहेगा कि यार ये करो, लोगों से मत, मतलब हमारे इस टाइम से नहीं फर्क पड़ेगा, हमने तुम्हारे किसी एक पोएम को बोल भी दिया कि अच्छा है तो बोला अच्छा, सवि शर्मा ने बोला अच्छा है, पर उससे भी सवि शर्मा ने बोला अच्छा तो सुनो, ये नहीं कि तीसरे बंदे को अच्छा ही लगेगा, सबकी अलग अलग चॉइस करेक्ट होती है, सबका अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड होता है। आज तुम बहुत खुश करेक्ट हो, मतलब मान लो आपको किसी ने पोएम भेजी है दुख भरी और ऐसे, और आपको उसी वक्त आपके बच्चा स्कूल में फर्स्ट आया है, आप खुशी मना रहे हो बच्चे के साथ, तो वो पोएम पढ़ी तो आपको कैसे, भले उसने कुछ बहुत अच्छा लिखा होगा पर आपके मन में तो यार क्या ये मूड खराब कर दिया। करेक्ट करेक्ट और करेक्ट वही है, करेक्ट उल्टा भी होगा, किसी ने कोई बहुत ऐसे बहुत अच्छी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कोई लिखी होगी और तुम उस वक्त नाराज हो तो तुम्हें वो चीज नहीं पसंद आएगी। तो इससे अच्छा खुद के साथ करेक्ट कॉम्पिटिशन रखो, खुद को कंपेयर करो, मैं तो यही करेक्ट कहूंगी करेक्ट यार। नहीं, बहुत अच्छा और बहुत ही वैलिड पॉइंट है। और मेरे को वीडियो बनाना पड़ा, मुझे वो वीडियो बनाते हुए भी बहुत नहीं मुझे दुख हो रहा बहुत था कि अच्छा अरे मैं लग, क्या हाँ पर वो कि क्यों, इम्पोर्टेंट बट है फिर वहां कि मुझे लगा लेकिन ये कन्वे कर दूं ना मैं कि ये बात, ये एग्जैक्टली नहीं पॉसिबल है और ऐसा, नहीं क्योंकि पॉसिबल है, और आप उस चीज के लिए और बुरा मत मानो, हम आपको डिमोटिवेट नहीं हाँ करना चाह रहे।
करेक्ट, क्योंकि मैं तो सबसे ज्यादा ये चाहता हूँ कि हिंदी में कम से कम और भी लोग आए, मतलब मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम भी हिंदी में बिल्कुल लिखो एक किताब, कभी ओरिजिनल हिंदी बुक, एंड इतनी अच्छी, ट्राई करेंगे। हाँ बहुत अच्छा लिखते भी हो आप, जो कभी कभी जो मैं जो भेजते भी हो और अदरवाइज भी उसमें। तो कोशिश मेरे को ये है। बताओ कि अब दो किताबें वैसे हो गई, अब अगला क्या बन रहा है, मतलब अब अगली चीज कब आ रही है उसमें, जो राइटिंग में, मतलब अभी अगली इस साल तो अभी इस लिख साल का लिया है, देखो प्रोसेस में, प्रोसेस प्रोसेस में में? है, लिखना भी प्रोसेस में नहीं। अभी मैं ये सोच रही हूँ कि यार क्या लिखना है नेक्स्ट, तो मैं कई सारे कॉन्सेप्ट्स पे भी काम कर रही हूँ, ओके तो अभी तो कुछ मटेरियलाइज नहीं हुआ कि ये है। कोशिश रहेगी कि साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर एकदम अर्ली, लाइक पहले दूसरे महीने में कुछ आ जाए। पर ओके मेन तो अभी उस लॉकडाउन की वजह से अभी एक ब्रेक आ गया लिखने पे। राइट राइट, और पर वो अभी मैं माहौल भी काफी ऐसा है कुछ, ना कि बिल्कुल घर पे रहते हैं तो यार लिखे तो नहीं जाते, मतलब कुछ कुछ लिख सकते हो, पर किताब, जब तक किताब एक स्टार्ट नहीं हो जाती ना, अगर आपको फर्स्ट प्लॉट लाइन रेडी है तो आप कहीं भी माहौल पे लिख सकते हो, पर जब तक वो करेक्ट प्लॉट करेक्ट लाइन करेक्ट, नहीं आता कि यार ये लिखना है, तब तक वो माइंड, उसके लिए एक शांति, एक अलग तरह का वातावरण चाहिए। तो तो तुम अभी पर डेली मैं काफी बैठते हो कुछ पढ़ लिखने रही के हूँ, लिए? अच्छा कोशिश अच्छा कर रही हूँ। डेली बैठ, डेली, ओके। और पढ़ हाँ क्या मतलब रहे हो, मतलब? और मैं एक चीज और इसको, इस पीओवी से मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि वो तीन चार राइटर्स या पांच राइटर्स या ऐसी तीन चार किताबें या दो या तीन किताबें जो सभी को पढ़ लेनी चाहिए, तो बिकम चाहे आप राइटिंग करना चाहो या नहीं करना, जो वो कौन सी होंगी, मतलब वो किताबें? पहली तो मुसाफिर कैफे हो फिलहाल गई, देखो। बिल्कुल मैंने एक्चुअली परसों ही मैं किसी का मैसेज आया था कि मैडम हिंदी में कोई बुक सजेस्ट करो, तो मैंने कहा था प्रेमचंद जी की किताबें पढ़ो, नई वाली हिंदी पढ़नी है तो दिव्या प्रकाश की किताबें पढ़ो। वाह, मैंने थैंक आपका यू थैंक इंस्टाग्राम हैंडल उसको यू भेजा था, थैंक यू तो थैंक मुसाफिर कैफे इज तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट। मतलब मैंने यू। हिंदी में से समझो नहीं, कि अरे मैं तीन मजाक कर रहा काफी था। सर। नहीं 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 पर तो मैं सीरियसली सच पूछ है। रहा हूँ। हाँ बट मैं सीरियसली हाँ पूछ रहा नहीं हूँ, नहीं बट मैं अंग्रेजी हिंदी, हिंदी कोई भी, हाँ उसमें जो किताबें हिंदी में उसी, तो यार आपकी मुसाफिर कैफे मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी, और प्रेमचंद जी की कहानियां जो पढ़ के शुरू किया है वो तो राइट हमेशा रहेंगी। बाकी तीन चार किताबों में एक तो मिच एल्बम की तो मैं कहूंगी कोई भी बुक उठा लो, मतलब उनकी हर बुक मैंने पढ़ी है और बहुत अमेजिंग। उनकी अगर एक पढ़नी है तो ट्यूजडे विद मॉरी जो उनकी है हाँ, करेक्ट वो करेक्ट पढ़ो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एक द लास्ट लेक्चर रैंडी पॉश की बुक यस है, हाँ वो पढ़ी है मैंने, यस वो बहुत, मतलब बहुत सिंपल सिंपल बातें लिखी है यार, पर एकदम ऐसे बहुत छू जाती है कि हाँ एकदम सही नहीं, बात है ऐसा। इनफैक्ट उनका वीडियो भी है ना, एक आज जो टॉक है हाँ, उनकी, उनका वो बहुत ही पूरा अमेजिंग, टॉक पे वीडियो भी है, बिल्कुल यस यस यस, वो है। फिर द बुक थीफ मार्कस जोसेक की, उस पे मूवी भी है, पर मैं कहूंगी कि पहले बुक पढ़ो फिर मूवी देखो। राइट राइट सो राइट राइट, 11 साल की बच्ची की कहानी है, जर्मनी में उस हिटलर के टाइम की स्टोरी है, पर उसका जो फोकस स्टोरीज के ऊपर, वर्ड्स के ऊपर, वो बच्ची बुक चुरा चुरा के लाइब्रेरी से पढ़ती है, और वो शब्दों का जो पावर है ना, मतलब वो पढ़ के मुझे लगता है कि आप लोगों को जो किताबें नहीं पढ़ता उसको किताबों से प्रेम हो जाएगा। और पोलियाना जो कि ओके 1913 की बुक है, बहुत पुरानी ओके बुक है, किड्स बुक ओके है एक्चुअली, पर छोटी सी कहानी है, 100 पेजेस की शायद बुक है, पर बहुत ओके अमेजिंग स्टोरी है, वो एक पढ़नी चाहिए। ओके 1000 Splendid Suns खालिद हुसैनी की, मतलब यस यस यस। वो बुक इनफैक्ट अच्छा, पढ़ने के इससे बाद। हाँ इनफैक्ट इससे मैं एक बस ट्रिविया बता दूं, जो इस पे जो फिल्म बनी थी ना, जी इस जो भी फिल्म बनी थी, तो उसमें जो आखिरी सीन है वो पतंग उड़ाने वाला एक सीन है ना इस फिल्म के नहीं एंड नहीं नहीं में। वो काइट रनर है, अच्छा काइट वो रनर, है सॉरी काइट सॉरी सॉरी, रनर, काइट हाँ रनर हाँ उनकी ओके दूसरी ओके जो ओके। किताब है। तो जी हाँ, तो उसमें ट्रिविया ये है कि जो लास्ट में जो सीन है उसमें वो राइटर है उस सीन में, खालिद जी हुसैनी है उसमें, तो अच्छा वो ट्रिविया, मैंने मूवी हाँ वो नहीं देखी ट्रिविया अभी है, तक, हाँ तो वो मैंने काइट दोनों रनर बुक्स मूवी पढ़ी में है, जो खालिद लास्ट सीन है उसमें खालिद हुसैनी खुद है खुद जो है। उड़ा था, जी, यस यस यस, द ट्रिविया। हम लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए, जब तो फिल्में बने तो हम लोग एक दो सीन के लिए आए एक सीन में, उसमें। हाँ बिल्कुल ऐसे मैं तो कहीं झलक बोलता भी देखी हूँ, जाए। हाँ मैं टिपिकली बोलता हूँ जब किताब कोई बात करता है लेने का, तो मैं बोलता हूँ कि हाँ बस एक सीन ऐसा होना चाहिए कि कोई बस स्टैंड पे या एयरपोर्ट पे कोई बंदा खड़ा हुआ पेपर पढ़ रहा है, एकदम से कोई आदमी भागता हुआ है, बोले भाई साहब टाइम क्या होगा, बताऊंगा अरे 10 बजे। इतना सा बिल्कुल, सीन, हर 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 फिल्म में ऐसा सीन होना चाहिए, तो मतलब ऐसा। एवरीवन हैज अ स्टोरी में एक सीन है छोटा सा, जहाँ पे मीरा बैठ के डायरी लिख रही है और विवान जो कैरेक्टर है, तो वो एक टिश्यू पेपर पे ब्यूटीफुल लिख के उसको एक वेटरेस के हाथ से भिजवाता है, वो वेटरेस आती करेक्ट है मीरा को देके चली जाती है, तो
तो मैं यही सोच रही हूँ वो वेटर्स का भी रोल ऐसे कर लूंगी ना, तो हाँ यार मैं मेरी मूवी में थी वो छोटा सा सीन, बिल्कुल नहीं, यार आई एम श्योर वो, और ऐसे कई सारे राइटर्स का है इनफैक्ट ना, बिल्कुल जैसे इनका स्टीफन किंग का भी मैं देख रहा था है इसमें, इनफैक्ट ये जो फिल्म लिखते हैं अंजुम रजब अली, इनके जी कई फिल्मों में सीन है कई सारे, तो ये लोग कर देते सब हैं करते, इनफैक्ट। हाँ हाँ थोड़ा ना वो सब कुछ, वो थोड़ा थोड़ा वो कुछ होते, आई एम श्योर बिल्कुल कि बिल्कुल हाँ क्या पता हम हम भी लोग कुछ ऐसा कर कोई होगे, लेंगे हाँ किसी दिन, मौका थोड़ा एक मिलेगा सीन हमें में भी आके कहते ये राइटर ही है, बिल्कुल हर बार हर बार जो आगे पर्ची देती है लड़की ये राइटर है, हर बार आके टाइम बता दे राइटर ये है बिल्कुल तो मैंने बीच में ब्रेक कर जी दिया वो सीक्वेंस, तो जी किताब उसके अलावा एक दो और अगर कोई बची है ऐसा कुछ जो बची मस्ट तो रीड यार हो। बहुत कुछ ऐसे ऊपर रखी है, पर हाँ बट फिर भी, और हाँ हाँ सो मतलब और फिर भी मैं अगर एक आध कहूंगी कोई रह गई हो, नहीं तो फिर हम लोग बिल्कुल आगे बिल्कुल, फिर द हाँ उस पर, अल्केमिस्ट हाँ पोलो राइट। कोलो की वो एक किताब है जो तुम्हें ये पता है ना आपको, एल्केमिस्ट एक हफ्ते में लिखी थी उन्होंने, यू हाँ नो दिस, और एक उनका हफ्ते में वो लिखी ये थी। रहता है ना कि उनको जब भी एक वो सफेद पंख जब दिखेगा तभी वो लिखना स्टार्ट करते, अच्छा ये नहीं मालूम क्या तो कहानी नहीं है। हाँ सो हाँ वो ये कहानी हाँ उनकी ये कि वो 2 साल में एक किताब लिखते हैं, ओके उसमें राइट भी उनका ये रहता है कि 2 साल में, सो वो ओमेंस वगैरह में बहुत मानते हैं कि भाई मुझे कुछ कुदरत का कुछ ये है, तो 2 साल में एक किताब लिखते हैं, उसमें भी ऐसे कि 2 साल के बाद जब भी वो उनको कोई सफेद पंख जब दिखेगा ना तब वो सोचते हैं हाँ अब टाइम आ गया है अब मुझे लिखना है, व्हाइट ओ फेदर वो उसको एक गुड लक ओमेन मानते हैं कि वो जिस दिन दिखेगा तब उस दिन से मुझे किताब लिखना शुरू करना। अभी ओ आज वो आई ये डिडंट चीज नो मानते दिस। कि नहीं पता नहीं, मैंने उनके एक इंटरव्यू में और उनकी अच्छा एक बुक है कन्फेशंस ऑफ द पिलग्रिम, किसी और ऑथर ने पूरा उनका इंटरव्यू लिया है, तो उसमें उनने ऐसा लिखा है कि मुझे वो व्हाइट ओ फेदर जब दिखता अच्छा है उसके बाद मैं लिखना शुरू करता हूँ, वाओ, एंड ही लिव्स अ तो रिक्लूस लाइफ पोलो कोएल्हो, मतलब वो पहाड़ पे ही हाँ अकेले बिल्कुल उस तरीके का है नहीं उनका नहीं इस हिसाब से अकेले तो, नहीं, वो ब्राजील में रहता है अपनी वाइफ के साथ, बट वो उनका कहीं शहर मस्त में नहीं है, हाँ कहीं बाहर बीच है वो शहर साइड के बाहर, उनका, हाँ 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 बीच कुछ ऐसा, साइड मस्त उनका हाँ घर है, तो वही बोलते बोले मेरा शाम को सुबह में वॉक करने आता हूँ, रात को बैठते हैं वो 11-12 बजे और सुबह 6 बजे तक वो लिखते हैं शांति में, नहीं तो फिर तो फेदर का उनका क्या तो फंडा है, अच्छा जब आ जाता है फेदर दिख जाता है तो ये रहता है शेड्यूल 11 से 6। हाँ जब उनका फर्स्ट, हाँ उनका ये स्केड्यूल रहता है, पर जब तक वो फेदर नहीं दिखेगा उनको, जिस दिन फेदर दिखेगा हाँ अब टाइम हो गया मेरी नेक्स्ट बुक लिखने का, ऐसा ओके वो अच्छा उनका ये नहीं एक मालूम था, मानना है जी। वाह बहुत अच्छा। तो इसमें अभी जैसे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोग जिन्होंने बुक लिख ली सब कर लिया, जी मार्केटिंग के हिसाब से जैसे बहुत इवॉल्व हुआ, 2015 की किताब की मार्केटिंग इज क्वाइट चेंज्ड फ्रॉम 2020 की बिल्कुल जो बिल्कुल मार्केट, इवन कंप्लीटली 2019 की बात कर देंगे, 20 तो इज सॉर्ट ऑफ अ डिलीटेड चैप्टर फ्रॉम आर लाइफ है ना, कि बिल्कुल क्या होगा कैसे होगा यू नो, पता नहीं बट वो दो तीन चीजें कि जैसे किताब की मार्केट करते समय जो हम गलतियां करते हैं ना, जैसे एक पॉइंट के बाद जी बहुत सारे राइटर्स फ्रस्ट्रेट होते हैं जैसे ही पहली बिल्कुल किताब आई, और उनको लगता है जो उनके दोस्त नीचे कमेंट कर रहे हैं ना कॉन्ग्रेचुलेशन, वो भी किताब नहीं खरीदते, एंड दैट्स अ रियलिटी चेक फॉर एग्जैक्टली एवरीबडी है ना, तो बिल्कुल वो क्या दो तीन चीजें करनी चाहिए किताब की मार्केटिंग को लेके कि ज्यादा से ज्यादा मतलब लोगों तक पहुंचे, या जी तुमने कोई जो लर्निंग रही हो जैसे मेरे को तुम्हारे किताब का ध्यान है, वो बहुत अच्छा वीडियो था विच वॉज जी अबाउट योर स्टार्टिंग जर्नी माय है ना, जर्नी और यस वो सॉर्ट ऑफ क्योंकि आप राइटर से पहले कनेक्ट होते हो फिर बुक से होते हो जो मेरा एग्जैक्टली है ना, बिल्कुल तो जैसे बिल्कुल वो एक अप्रोच था, तो वो मेरे को अगर बता पाओ और बाकी लोगों को भी उससे फायदा मिलेगा मुझे लगता है कि हाँ सुज भाई, जैसे आपने कहा कि 2015 और 2020 का जो टाइम बहुत चेंज हो गया, जैसे मैंने मेरा फेज बताया था 2015 में कि भाई बुक आई थी फिर ऐसा ऐसा किया था, पर अभी का ये जो टाइम है ना, आज आपको सबसे पहले अपनी ब्रांड बनानी पड़ेगी, जैसे मैं आशीष का एग्जाम्पल दू, आशीष मेरे हस्बैंड है, आशीष बागेचा जो ऑथर है, लोगों को एक बार बता दू, पीछे वो सो दिख भी रहे एक आशीष दो ने, बार, हाँ आशीष एक दो पीछे एक बार दो बार दिखे हुए पीछे हैं, गेस्ट और अभी हम अपीयरेंस देखे आशीष से गए मैं अगले अगले वीक में मैं आशीष से बात भी करने वाला हूँ, तो बिल्कुल, तो वो इस चीज को और डिटेल में आपको बता पाएंगे, पर मैं यही कहूँ कि आज का टाइम ऐसा है ना सोशल मीडिया पे यार लोगों को इतना कंटेंट मिल रहा है, तो वो करेक्ट एक तो पहली बात तो लोगों ने बुक पढ़ना ही छोड़ दिया, जो बचे करेक्ट कुछ लोग जो यहाँ दिख रहे हैं वो लोग पढ़ते हैं, तो आपको दैट्स सबसे पहले अपना नॉर्मल राइटर ऑडियंस स्क्रिप्ट ऑल्सो होगी, जब दो राइटर मिलते हैं तो ये बात हम लोग करते ही हैं तो बिल्कुल राइट तो आज का टाइम ऐसा है ना, आपको पहले अपना ऑडियंस बिल्ड करना, आशीष ने 1.5 साल तक इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, 2 साल तक उन्हें फ्री में कंटेंट दिया लोगों को, रोज अपनी पोल्ट्री राइट डालते, रोज कुछ ना कुछ राइट पोस्ट करते, तो वो 2 साल में 0 से लेके आज उनके कितने आई गेस 300 200 2 लाख 3 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे हैं, तो वो 2 साल में उन्हें वो बिल्ड किया,
उनकी बुक कब आई? राइट लास्ट ईयर नवंबर में। तो जब दो राइट लाख फॉलोअर्स थे ना, उसके बाद वो किताब आई, जिन लोगों को वो रोज फ्री में कुछ पोइट्री, रोज फ्री में कुछ कंटेंट देते थे, उनको तब कहा कि यार अब मैंने एक बुक लिखी है, अब तुम राइट ये पढ़ो। इसीलिए वो बुक पहले महीने में बेस्ट सेलर बन जाती है। तो अभी का टाइम ऐसा है कि आपको पहले अपना ऑडियंस बिल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद आप कोई चीज लेके आओ बाहर, क्योंकि अदरवाइज यार नए लोगों को कोई क्यों पढ़ना चाहेगा। और फ्री कंटेंट जब इतना मिल रहा है, तो तुम्हारी किताब पे भले 200 रुपए जो एक कॉफी का भाव आता है, तो भी लोग नहीं देना चाहेंगे। करेक्ट पहले आप करेक्ट करेक्ट रीडर्स को, ऑडियंस को वैल्यू दो, उनके दिल में जगह बनाओ, फिर तुम बोलो कि यार ये प्रोडक्ट, और फिर इट्स देखो अ वेरी वो इंटरेस्टिंग जरूर पॉइंट. लेंगे। यस यस तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट आल्सो, क्योंकि हम लोग हिंदी में बहुत बिल्कुल सारे लोग क्या करते हैं, जब किताब आने वाली होती है तब हम एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया पे, बिल्कुल जैसे है ना. तो विच इज नॉट द वो राइट गलती हो अप्रोच, जाती इट्स है। अ कंटिन्यूस प्रोसेस. जैसे एग्जैक्टली मैं पर्सनली सोचता हूँ कि बुक लॉन्च करो या नहीं करो, बट 100 दिन का एक प्लान होना चाहिए किताब आने के एग्जैक्टली अराउंड, है ना. एग्जैक्टली तो उस तरीके का. और सो वही इसके चीज है ना। अलावा हाँ, तो मेन चीज तो वही है कि सबसे पहले अपना ऑडियंस, और उससे फिर तुमको पब्लिशर्स भी अपने आप अप्रोच करें। मतलब आज तुम्हारे पास अगर एक ऑडियंस बेस है 2 लाख का, तो उस दो करेक्ट. लाख में से 20,000 लोग तो तुम्हारी बुक बिल्कुल खरीद, तो अंदर। हाँ, देख रहा हूँ मैं. नहीं हाँ जी, हाँ, ओके. सबसे पहले तो आपका प्रोसेस ये होना चाहिए कि ऑडियंस बिल्ड करो, तो वो आपको डायरेक्टली आप रिलेशन पे अप्रोच करो, तो बोलोगे तुम्हारी आवाज गई हेड. मिखाइल मैं ब्लूटूथ बंद करना पड़ेगा शायद, वो गया. मोबाइल से आ रहा नहीं, उससे नहीं आ रहा, कम आ रहा है. अभी आ रहा है। हाँ अभी आ रहा है, वो ब्लूटूथ चला गया, बट दैट्स ओके. तो हम लोग वैसे भी अब क्लोजिंग फेज में हैं, तो आई एम श्योर ये दैट्स द लास्ट क्वेश्चन आल्सो. हाँ ओके okay. हाँ तो तो वही चीज है कि सबसे हाँ पहले अपना ऑडियंस बिल्ड करो, और ऑडियंस को आपको रोज कुछ देना पड़ेगा। राइट राइट आप ये राइट तो बुक आएगी तब कुछ मैं डालूंगा, नहीं। आज आपका ऑडियंस बेस है, तो आप उनको रोज कुछ दोगे तभी वो रुकेंगे आपके पास, तभी टिकेंगे, नहीं तो इतने सारे लोग राइट हैं वो चले जाएंगे। राइट तो वो जब क्रिएट होगा ना, और जब आप रोज डेली वैल्यू दोगे, फिर आप बुक लिखोगे या जो भी बाहर लाओगे, तो लोग क्यों नहीं खरीदना पसंद करें। उन्हें दिख रहा है कि यार आप इतनी वैल्यू दे रहे हो उनको, वो रोज आपकी पोस्ट राइट पढ़ रहे राइट हैं। तो सबसे मेन अप्रोच तो अभी का वही है। और फिर जो लिख रहे हैं वो, तो उसमें भी कई बार ये होता है कि हम लिख तो देते हैं, हमारे लिए वो बुक बहुत दिल के करीब होती है, सब होता है, पर तो वो भी जरूरी कि कंटेंट अच्छा हो। तो तुम राइट अपने आपको वो जो एक वो अपनी माँ को अपना बच्चा प्यारा ही लगता है, तो उस पर्दे से दूर जाके किसी और के नजर से देखो कि तुम्हारा बच्चा प्यारा है कि नहीं। राइट तो राइट एक राइट अप्रोच राइट होना चाहिए, राइट तुम अपने आप को चेक करो कि तुम लिख रहे हो तो तुम किस लाइंस में लिख रहे हो। उस लाइंस में देखो कि ऐसे कौन ऑथर्स हैं जो इस टाइप की बुक्स लिख रहे हैं, और पढ़ के राइट देखो, देखो कि क्या तुम उनके लेवल के हो, तुम उनसे बेहतर हो। राइट अपने आप को इवेल्युएट करते जाओ, जहां लग रहा है कि कुछ कमी है तो उसको फिर ठीक करने के लिए रेडी होना चाहिए। नहीं अच्छा नहीं है तो उसको छोड़ देना चाहिए। मेरी राइट पहली राइट पॉइंट, राइट इससे पहले मैंने 50,000 पेजेस की एक पूरी किताब लिखी थी, जो मैंने छोड़ दी, जो मैंने पब्लिश की ही नहीं। वाह आप वाह सोचो कि यार तुम जो लिखो वो पब्लिश हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। करेक्ट. एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग आल्सो, कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ना बहुत सारे लोग डिसहार्टन हो जाते हैं कि अरे हमने 20,000 वर्ड्स लिखे और हमारी पोएम की बुक नहीं आई, तो हमारी जिंदगी खत्म हो गई है. जबकि जैसे वो जर्नी बहुत लंबी है. तो मेरे ख्याल में इट्स अ गुड नोट, और तुम्हारा आवाज भी अब कट कट के आ रही है, तो हम लोग किसी दिन लाइव और कंटिन्यू करते हैं. और बहुत ही बिल्कुल अच्छी, मुझे लगता है जो भी सुन रहे थे उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इसमें, एंड वील कंटिन्यू विद दैट. तो बहुत बहुत थैंक यू फॉर कमिंग, एंड वील हैव मसाला चाय इन बिल्कुल मुंबई सम टाइम. ठीक है, ओके ओके बाय। ओके ओके, बाय 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 बाय.